हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अभी? सेंस रिलेशन से डिस्कस हो रहे थे। हाँ जी बच्चों, अभी सेंस रिलेशन से डिस्कस हो रहे थे। जी सर। और चलें इसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करेंगे। जो रिमेनिंग है वो कर लें। और जो कुंभ के अंदर जो आपका जितना सिलेबस आना है वो भी आप लोगों ने डिस्कस करना है। आज हमने वो भी डिसाइड करना है। मॉर्निंग मीटिंग को आप लोग मौजूद हैं तो देखिए मेडिकल सिलेबस आप कितना रखना चाहते हैं। हमारे पास, आप लोग के पास भी, मेरे पास भी है, उसमें आप देख लें। हमने अभी तक जो टॉपिक्स अभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो एक तो है अर्ली थियरीज ऑफ मीनिंग, उसमें हमने ऑगटन एंड रिचर्ड्स और बिसोसो को डिस्कस किया है। फिर टाइप्स ऑफ मीनिंग है वो हमने डिस्कस किए हैं, और सिमेंटिक फीचर्स और सिमेंटिक रोल्स, और नाउ वी आर डिस्कसिंग सेंस रिलेशंस और लेक्सिकल रिलेशंस। ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हाउ मच ऑफ दीज शुड बी इंक्लूडेड इन योर मिड टर्म एग्जाम? बच्चों बताएं, कोई सजेस्ट करें सो दैट स्टूडेंट्स। एम आई ऑडिबल? आर यू सर, लिसनिंग मी प्लीज? सर यस सर, वी आर लिसनिंग। यस यस सर सर अभी तक अभी जितना तक कर लिया है वो सारा ऐड करते हैं। नहीं, जो सारा इसमें जो हमने कर लिया अभी तक सारा सर इज इट पॉसिबल कि हम ऐड बाद में, करते। हाँ जी, सर आई सेड इज इट पॉसिबल कि हम बाद में सीआरजीआर के साथ जो है वो डिसाइड करके और आपको उनके थ्रू ही मैसेज कन्वे करवा दें। समझ नहीं आई मुझे, अब मुझे सर बिल्कुल आई समझ नहीं आ रही है। सेड सर जी आई सेड एक्चुअली ना ये बोल रही है कि ना हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ना आपको बता देंगे, इवनिंग वाले भी और मॉर्निंग वाले भी आपको ना बता देंगे। अगर अगर आपको ठीक लगेगा तो फिर हम उसी को रख देंगे। ठीक है, बट आई थिंक कि मतलब जो अभी तक पढ़ा है वो सारा तो उसके अंदर तो वो सारा तो पर यहाँ तक हो सकता है सेंस रिलेशंस तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उसमें। सॉरी, उस तक सिमेंटिक रोल्स तक, अर्ली थियरीज ऑफ मीनिंग, सिमेंटिक फीचर और सिमेंटिक रोल्स। जी सर, ये ठीक है। सिमेंटिक रोल्स तक। जैसे मजीद आप लोग मजीद देख लीजिएगा कितना आप लोग उसमें क्या चाहते हैं। हाँ हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके, चलिए मजीद आप पूछे। लेकिन ये जो है वो इट शुड बी फाइनलाइज्ड नॉट लेटर देन टुमारो। आप कल तक फाइनलाइज करके मजीद देख के तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, लेट्स कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंस ओके रिलेशंस सर। सो दैट वी मे मूव टुवर्ड्स प्रेजेंटेशंस। अब उसमें आप लोगों ने द नेक्स्ट रिलेशन दैट इज मेटोनोमी। ओके, हैव यू पीपल रेड इट? ये स्टूडेंट्स टेल मी, डिड यू पीपल नो सर, रीड आई द डिडन्ट रीड। थिंग्स ऑलरेडी शेयर्ड विद यू? यस सर। नो, ओके, कम टू मेटोनोमी एंड जनरली। सो फॉर एज मेटोनोमी और दिस सेंस रिलेशन इज कंसर्न्ड, जनरली वी यूज मेटोनोमी इन ऑर्डर टू
refer to something else. In other words, we can say that when something is referred to by a word which describes a quality or feature of that thing, तो उसमें हम करने के लिए एक वोकैबलरी यूज करते हैं, फीचर को डिस्क्राइब करता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज. जिस तरह से हम फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसमें हम किसी हैं कोई इमेज यूज कर लेते हैं, तो इसी तरह का वी कैन सी दैट द रिलेटेडनेस ऑफ मीनिंग फाउंड इन पॉलीसेमी इज एसेंशियली बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पॉलीसेमी, और उसमें हमने यही देखा था कि उसके अंदर क्या होती है, रिलेटेड मीनिंग होते हैं पॉलीसेमी में, और जो हमारी होमोनिमी होती है उसमें अनरिलेटेड मीनिंग्स होते हैं. तो सो पॉलीसेमी के अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. कोई ना कहीं कहीं पे वो उनमें सिमिलैरिटी होती है, इसी वजह से रिलेटेडनेस होता है. एग्जाम्पल इज द सेम दैट वी डिस्कस यस्टरडे, द हेड ऑफ अ कंपनी इज सिमिलर टू द हेड ऑफ द पर्सन ऑन टॉप एंड कंट्रोलिंग द बॉडी, क्योंकि दोनों सुपीरियरिटी तो कुछ हो करते हैं, सुपीरियर प्लेस और स्टेटस को शो करते हैं, इस वजह से ये इनमें सिमिलैरिटी है. सिंपली ऑन अ क्लोज कनेक्शन इन एवरीडे एक्सपीरियंस. तो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके दरमियान बहुत ही क्लोज जो है वो कनेक्शन होता है, और हम एक की तरफ रिफर करने के लिए दूसरे वर्ड को हम जो है वो यूज कर लेते हैं. और ये जो क्लोज कनेक्शन है, इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंटेनर कॉन्टेंट रिलेशन, होल पार्ट रिलेशन, और रेप्रिसिबल रिलेशन. दीज आर थ्री टाइप्स कि ये जो चीजों में क्लोज रिलेशन होता है, कंटेनर कंटेंट रिलेशन, सेकंड है होल पार्ट रिलेशन, एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव सिंबल रिलेशन. फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं बॉटल की, वाटर बॉटल की हम बात करते हैं. इसी तरह से हम कहते हैं कि कैन जूस, हम उसकी बात करते हैं. अब इसमें एक कंटेनर है और एक कंटेंट है, जिसे हम कहें वाटर बॉटल. वाटर बॉटल की है ऐसे. अब हम कहते हैं कि आई ड्रैंक टू बॉटल्स, ओके, आई ड्रैंक टू बॉटल्स. अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पे जो वर्ड बॉटल है, इट रिफर्स टू द सर वाटर. आपकी वॉइस बहुत कंटेनर ज्यादा रिफर टू द कट रही कंटेंट, क्योंकि आपने बॉटल नहीं पी होती. हाँ जी, है। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, इसलिए समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कि ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, यस सर। यस यस सर। सर. ओके, लेट मी चेंज द प्लेस. मैं उसको देखता हूँ, शायद यहाँ पे सिग्नल्स का कोई इशू आ रहा होगा, तो इस वजह से है. लेट मी, आप मुझे उसी वक्त बताते कि नहीं आ रही, तो फिर मैं कुछ करता. अभी आ रही है या अभी नहीं सही आ रही? जी सर अब क्लियर वॉइस आ रही है। क्लियर सर है? तब कोई बोलता नहीं है ना, तो ऐसे फील होता है कि बस मेरे एंड पे ही कोई मसला है। हाँ जी, मैं इसको हेलो यस हेलो सर। यस सर। अब देखिए जरा कुछ, शायद अगर बेहतरी होती है कुछ या नहीं. हाँ जी, आ रही है आवाज बच्चों या नहीं आ रही? जी सर अब आवाज आ रही है। ओके, तो शुड आई स्टार्ट? सर अब आ रही है। अब आ रही है. तो
बिगनिंग से स्टार्ट करूं फिर, स्टार्ट से करूं कि ये कुछ समझ आई थी कि मेटोनोमी को हम डिस्कस कर रहे थे, तो मेटोनोमी को मैंने थोड़ा सा आपको यही बताया था, डिफाइन किया था कि व्हेन समथिंग इज रिफर्ड टू बाय अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी को आप ऐसे वर्ड से जब डिस्क्राइब करें जो, हाँ जी सर फिर वही मसला आ रहा है। एक मिनट थोड़ा मैं फिर लीव करके दोबारा से रीज्वाइन। करता हूँ एक मिनट, शायद उससे बेहतर हो जाए। करें कि प्रेजेंटेशन आज किसकी है, आप उतनी देर में स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जी एंड टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज सिमेंटिक्स एंड सिमेंटिक फीचर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिमेंटिक्स क्या होता है। एक्चुअली सिमेंटिक्स इज द एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट एनालाइज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। तो सिमेंटिक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम एक लैंग्वेज में वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस उनके मीनिंग को एनालाइज करते हैं। इन अदर वर्ड्स सिमेंटिक्स इज द सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज जिसमें हम एक लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं सिमेंटिकली। इसमें हम ये देखते हैं कि इस लैंग्वेज की जो है उसका मीनिंग क्या है, इसमें हम लैंग्वेज की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करते, हमारा जो कंसर्न होता है वो मीनिंग के साथ है। ठीक है, अब जो है ना वी नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग। मेरी वॉइस आप सबको आ रही है? यस मैम आ रही है। तो वी नो दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग वेन वी इनकाउंटर अ वर्ड। तो जब भी हम कोई वर्ड सुनते हैं तो उससे हमारे माइंड में डिफरेंट मीनिंग आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वर्ड दे लें स्नेक, तो उससे जो है ना वर्ड एक होगा लेकिन उससे हमारे माइंड में डिफरेंट जो है ना उनके जो है मीनिंग आते हैं। लाइक स्नेक जो है वो रेप्टाइल है, विदाउट लेग, और इसके साथ हम उसका मीनिंग एसोसिएट कर रहे होते हैं जैसे कि इसको लिटरेचर में हम एज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन इवर्ड या डेंजर जो है वो यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक और वर्ड ले लें हाउस, तो अगर हम हाउस का डेनोटेटिव मीनिंग देखते हैं एक्सक्यूज लाइक हाउस को जो है वो डिक्शनरी में डिफाइन किया जाता है। मी रिमशा, थोड़ा ना आराम से करो प्रेजेंट, क्योंकि ना वो समझ नहीं लग रही। पहले भी वॉइस थोड़ी आ रही है आपकी, और थोड़ा आराम से करो प्रेजेंट। रिमशा आपकी आवाज में थोड़ा फोन क्लोज बात करें। कई बार मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताना। मैं कह रही हूँ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप काइंडली फोन थोड़ा क्लोज कर लेना। ओके, मैं इसको अगेन स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है वो है सिमेंटिक्स एंड सिमेंटिक। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिमेंटिक्स क्या होता है। सिमेंटिक्स इज द एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट एनालाइज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन लैंग्वेज। तो बेसिकली सिमेंटिक्स लिंग्विस्टिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम जो है ना वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस उनके मीनिंग को एनालाइज करते हैं। इन अदर वर्ड्स सिमेंटिक्स इज द सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज जिसमें हम एक लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं रिमशा मेरी बात सुनो, थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करो तो फिर ही समझ आएगी ना। एक आवाज वो क्लियर नहीं आ रही तो आप इतना जल्दी एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अपना अकाउंट चेंज करके देखूं। लास्ट नहीं वन अभी अकाउंट ठीक है पड़ा, लेकिन आपके वो माइक में इशू है आई थिंक। तो
हमें पता है कि जो स्नेक्स वर्ड है वर्ड एक है, लेकिन इसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट होंगे. अब ठीक है, एक मिनट में क्लॉज बड़ा ज्वाइन कर. हेलो रिक्शा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. मेरी आवाज़ आ रही है जी सर बच्चों आपको? स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? यस सर यू आर ऑडिबल. यस सर अब आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी रिमशा आ रही है. दोबारा से अगेन स्टार्ट करूं या वहीं से कंटिन्यू करूं? अब फिर आप आ गई प्रेजेंट. मैं दोबारा रिमशा, एक्चुअली मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने लेफ्ट करके जो है वो अगेन ज्वाइन किया. अब बता दें कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट से करूँ प्रेजेंटेशन या जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से करूँ? आप लोगों को कुछ समझ आया था? अब रिमशी बता दें, हम तो काम करें. सर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही. चल रहा हूँ, जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट कर लो. ओके तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक वर्ड एक हो सकता है लेकिन उसकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट होंगे. ठीक है, हम एग्जाम्पल देख रहे थे स्नेक की. तो जब भी हम स्नेक का वर्ड सुनते हैं तो उससे हमारे माइंड में डिफरेंट मीनिंग आते हैं. लाइक स्नेक जो है ना वो रेप्टाइल है, स्केली, स्टाउट लेग्स, और इसको जो है ना वो एज अ सिंबल यूज किया जाता है डिस्ट्रक्शन, ईवल या डेंजर. तो एक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो सिमेंटिक्स में हम किन मीनिंग के साथ डील करें? एक्चुअली सिमेंटिक्स जो है ना, सिमेंटिक्स डील्स विद द कन्वेंशनल मीनिंग. मीन्स की सिमेंटिक्स जो है ना वो डेनोटेटिव मीनिंग को जो है ना वो डिस्कस करती है, वो मीनिंग जो हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करती है. लाइक द बेस वर्ड को या एक जो सोशल ग्रुप है वो एक वर्ड को किस तरीके से जो है वो यूज करता है, इसलिए हम उन्हीं मीनिंग्स को देखेंगे जो हमें डिक्शनरी ने प्रोवाइड किए. अब यहाँ तक क्लियर है? अब भी मेरी वॉइस किसी को नहीं आ रही? रिमशा आपकी आवाज आ रही है लेकिन डिस्टॉर्शन इतनी ज्यादा ना कि हम बता दें आवाज आ रही कि नहीं. क्या कह रही है? हैंड फ्री का इशू तो नहीं है? नहीं, मैंने हैंड फ्री नहीं. चले अगर मेरी आवाज आ रही है तो बच्चे मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं. अगर मेरी आवाज आ रही है तो आज क्या मसला हो गया? यस सर आप सर चले हम उसी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, अगर कोई इशू उसके अंदर जो है वो चल रहा है तो फिर वो देखेंगे. जी मेटोनोमी का कॉन्सेप्ट मैं बार बार डेफिनेशन कर चुका हूँ लेकिन वो डिस्टॉर्शन की वजह से और नेटवर्क की वजह से शायद वो नहीं समझ आ रही. तो मेटोनोमी का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था. इज देयर एनीबॉडी हु कैन रिवाइज कि मेटोनोमी क्या है? हेलो सो वर्ड्स की ऐसी रिलेटेडनेस जिसमें वो एक दूसरे की तरफ रेफर करें वो मेटोनोमी होती है. ओके एनीबॉडी एल्स?
सर फिगुरेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज. ओके, यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. ओके, मैंने आपको बताया था कि इसमें हम तीन तरह से इस रिलेशनशिप को डिस्कस कर सकते हैं. ये जो क्लोज रिलेशन या जो क्लोज कनेक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट आइटम्स और डिफरेंट वर्ड्स, उसको हम तीन तरह से डिस्कस कर सकते हैं. उसको अगर हम कैटेगराइज करें, कंटेनर एंड कंटेंट रिलेशन, इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं. दूसरा है होल एंड पार्ट रिलेशन, एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंबल रिलेशन. हम इसको कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं वॉटर बॉटल, अब वॉटर बॉटल के अंदर एक कंटेंट है और एक कंटेनर है. वॉटर कंटेंट है और जिस चीज के अंदर वो कंटेन किया जाता है, यानी वो बॉटल है, वो प्लास्टिक की बॉटल हो सकती है, वो मेड ऑफ एनी अदर मटेरियल बॉटल हो सकती है, तो वो जो बॉटल है वो आपका कंटेनर है. अब द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड कंटेनर, आप कहते हैं कि आई ड्रैंक टू बॉटल्स. ओके, आप कहते हैं मैंने दो बोतलें पी. अब इनफैक्ट आपने कंटेनर तो नहीं पिया होता, आपने तो कंटेंट पिया होता है. तो जब आप कहते हैं कि आपने दो बोतलें पी, आपने तीन बोतलें पी, आपने सारी बोतल जो है वो पी ली, ओके, तो अब आपने बॉटल नहीं पी होती, इनफैक्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं पिया होता, कंटेनर नहीं पिया होता. इनफैक्ट इट रिफर्स टू द कंटेंट व्हिच इट कंटेन्स. उसके अंदर जो उसका कंटेंट होता है कंटेनर के अंदर, उसकी तरफ हम रिफर करते हैं. तो ये क्लोज कनेक्शन है जो कि रिफर करता है कि अगर आप कह लें कि मैंने बॉटल पी है, तो इट मीन्स कि आपने जो है वो वॉटर जो है वो पिया है. और अगर आप कह लें किसी को, कहें आप बेकरी पे जाएं और उसे कहें कि यार दो पानी देना, आप कहें दो पानी देना, अब वो क्या करेगा, आपको दो बॉटल्स पानी वाली उठाएगा और आपको दे देगा. तो चूंकि वो अंडरस्टैंड कर गया है कि जब आप कहते हैं दो पानी देना, तो इट मींस इट रिफर्स टू, तो इस तरह से कंटेनर से कंटेंट की तरफ और कंटेंट से कंटेनर की तरफ हम जो है वो कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड. तो पानी की तरफ रिफर करने के लिए हम बॉटल, और बॉटल को रिफर करने के लिए हम वॉटर यूज कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड मेटोनमी. यहां तक मेरी बात आवाज आई आपको बच्चों? यस सर. ओके, तो मैं पूछता रहूंगा थोड़ी देर बाद ताकि पता चले कि ओके. उसके बाद सेकंड वाला है हमारा होल पार्ट रिलेशनशिप. इट मींस कि आप अगर एक चीज है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप एक पार्ट की तरफ रिफर करें तो वो पूरा होल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आप पूरा होल करें तो वो एक पार्ट की तरफ रिफर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हम इंसान आमतौर पर आप देखें माशरे में हम कहते हैं कि यार हमारे सर पे छत होनी चाहिए, सर पे छत होनी चाहिए, इंसान की अपनी छत होनी चाहिए. मतलब ये दिस इज वन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम जो इसमें है. अब जब आप कहते हैं कि सर पे छत होनी चाहिए, तो किसकी तरफ रिफर होता है? इंसान का अपना घर होना चाहिए. ठीक है, तो हम कहते हैं कि अपना घर होना चाहिए. अब ये जो हाउस है, जब हम ये कहते हैं कि हाउस होना चाहिए, घर होना चाहिए, तब भी वी रिफर टू द रूफ. जब हम कहते हैं हमारे सर पे अपनी छत होनी चाहिए, तब वी रिफर टू हाउस. तो अब ये हमारा मेटोनमी होता है. हम मेटोनमी इसी तरह से कार और व्हील्स है. आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो शॉप्स है ना, तो वो कहते हैं व्हील डीलर्स. व्हील डीलर्स जो कार की डीलिंग करते हैं, तो उन्होंने अपने जो वो लिखा होता है व्हील डीलर्स. अब इट डजंट मीन दैट दे डील इन व्हील. कि वो सिर्फ व्हील्स हैं, लेकिन होल है और व्हील उसका पार्ट है. कार होल है, व्हील उसका पार्ट है. आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, आप सिंपल जो है वो गाड़ी, आप कहते हैं क्या हुआ, आप कहते हैं गाड़ी खराब हो गई. अब गाड़ी एज ए होल खराब नहीं होती, उसका कोई पार्ट खराब हुआ होता है. इंजन में कोई प्रॉब्लम है, वो आपके पार्ट की तरफ रिफर करता है. और या आप कह लें हाँ जी गाड़ी पे जा रहे थे, आप जो है वो कहते हैं कि यार टायर पंक्चर हो गया, गाड़ी पे क्यों नहीं आए, आप कहते हैं टायर पंक्चर हो गया. अब यहाँ पे टायर या व्हील आपका जो है वो रिफर कर देता है टुवर्ड्स अ होल, पूरी जो है वो कार की तरफ. तो दैट इज ऑल्सो मेटोनमी. कि जब आप इस तरह से एक जो है वो वर्ड को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अदर. इसी तरह से थर्ड हमारा रिलेशनशिप था रिप्रेजेंटेटिव सिंबल रिलेशनशिप, कि जिसमें जो है वो एक चीज जो है वो आमतौर पर आप देखते हैं, आप कहते हैं कि व्हाइट हाउस इज इन फेवर ऑफ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान. अब व्हाइट हाउस बताते हैं खुद तो एक बिल्डिंग है, हाउ अ बिल्डिंग कैन बी इन फेवर ऑफ एनीवन एल्स. तो यहां पे व्हाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है किसको, किसका सिंबल है, ऑफ कोर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट का. इसी तरह से अभी हम कहते हैं जी कि इस्लामाबाद में इस पे मशवरा हो रहा है,
अब इस्लामाबाद में मशवरा हो रहा है तो इस्लामाबाद में मशवरा नहीं हो रहा, इनफैक्ट इट मीन्स इस्लामाबाद जो है वो इट स्टैंड फॉर कैपिटल, वफाकी गवर्नमेंट का, हमारी फेडरल गवर्नमेंट का सिंबल है। तो हम कहते हैं इस्लामाबाद से ऐलान किया गया है, अब ऐलान इस्लामाबाद से नहीं किया गया, ऐलान तो आपका फेडरल गवर्नमेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर और द अथॉरिटी सिटिंग ओवर देयर, वो उन्होंने ऐलान किया है, तो इसलिए वो आपका उसको जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो करता है। इसी तो ऑल दीज वेरी थिंग्स दे आर कॉल्ड मेटोनमी। जब हम एक वर्ड को इस तरह से दूसरे वर्ड को डिस्कस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं तो वो मेटोनमी होता है। यहां तक क्लियर है? यस सर, ओके। इट इज आवर फेमिलियरिटी विद मेटोनमी दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, ये मैंने पहले आपको कह दिया कि ये चूंकि हमारा, हम फेमिलियर होंगे तो हम मेटोनमी को अंडरस्टैंड करेंगे, और अगर हम उससे फेमिलियर नहीं होंगे तो फिर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ही ड्रैंक द होल बॉटल ऑल दो इट साउंड एब्सर्ड लिटरली। अगर लिटरली देखा जाए तो ये गलत बात है क्योंकि हम बॉटल नहीं पी सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, वी ड्रिंक द लिक्विड नॉट द ग्लास ऑब्जेक्ट या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट की बोतल नहीं पीते हम, लेकिन हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब कोई कहता है कि पूरी बोतल मैंने पी ली है तो पूरी बोतल, उसे पता है कि उसने बोतल नहीं पी, उसने कंटेनर नहीं पिया, उसने कंटेंट पिया है। इसी तरह से हम कहते हैं वी आल्सो एक्सेप्ट द व्हाइट हाउस हैज अनाउंस्ड, व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया है ये अमेरिकन का है, और द डाउनिंग स्ट्रीट प्रोटेस्टेड कि डाउनिंग स्ट्रीट, अब डाउनिंग स्ट्रीट इज इनफैक्ट द सिंबल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए डाउनिंग स्ट्रीट हम कहते हैं, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए व्हाइट हाउस, तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके लिए हम कहते हैं डाउनिंग स्ट्रीट। तो डाउनिंग स्ट्रीट प्रोटेस्टेड के किसी बात पे उन्होंने जो है वो एहतजाज किया है, उन्होंने मुखालफत की है, तो ये सारे के सारे मेटोनिमिस है। विदाउट बींग पजल्ड, हम इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बगैर कंफ्यूज हुए कि बिल्डिंग्स अपीयर टू बी टॉकिंग है, डाउनिंग स्ट्रीट भी बिल्डिंग है, वो बात कर रही है, व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया है वो बात कर रहा है। अब हमें पता है कि व्हाइट हाउस बिल्डिंग नहीं है, डाउनिंग स्ट्रीट बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे वो अथॉरिटीज की तरफ रिफर करते हैं, तो वो अथॉरिटीज अनाउंस कर रही है। वी यूज मेटोनमी वेन वी टॉक अबाउट फिलिंग अप द कार, हम कहते हैं कि आप कार को फिलअप करवा रहे हैं, आंसरिंग द डोर, अब हालांकि कार को फिलअप नहीं करवाते आप किसको करवाते हैं, आप फ्यूल डलवाते हैं, तो आप जो उसका फ्यूल टैंक होता है ना उसको फिल करवाते हैं, लेकिन आप कहते हैं मैंने गाड़ी फुल करवा ली, गाड़ी नहीं फुल करवाई होती वो, अब वो आपका फ्यूल टैंक फुल करवाया होता है, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपने गाड़ी फुल करवाई है तो फ्यूल टैंक में फ्यूल डलवाया होगा ना, सीटों पे तो डलवाया नहीं होगा। आंसरिंग द डोर, वो कहते हैं एक मिनट में जरा जो है वो आंसरिंग द डोर होता है कि नॉक हुई है तो आप आंसरिंग द डोर, दरवाजे को तो जवाब नहीं देते, आप दरवाजे पे जाके देखते हैं कि हु इज नॉकिंग एट द डोर, ये होता है आंसरिंग द डोर। बॉइलिंग अ कैटल, अब कैटल को बॉइलिंग किया जाता, कैटल के अंदर जो लिक्विड होता है चाहे वो मिल्क है वो वाटर है वट एवर दैट इज, वो बॉइल किया जाता है, लेकिन हम कहते हैं आई एम बॉइलिंग अ कैटल, ओके इट मीन्स मैं पानी बॉइल कर रहा हूँ, तो आप रिफर कर देते हैं वाटर की तरफ, यूज करते हैं कैटल। गिविंग हैंड, ओके आप कहते हैं कि आर यू रेडी टू गिव मी हैंड इस मैटर, इस सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे, ओके अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हाथ आगे पकड़ा देंगे ये ले जी और काम हो गया, तो गिविंग हैंड जो है वो इट ऑफ कोर्स ये मेटोनिमी है, इट मींस टू स्पोर्ट्स समवन टू फेवर समवन, और अब क्या मतलब है, आपको पहियों की जरूरत है, नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा व्हील डीलर्स, तो इट मींस व्हेन यू नीड जो है वो कार तो आप क्या देते हैं व्हील, जब वो व्हील नीड है तो इट रिफर्स टू कार इन विच यू आर इंटरेस्टेड, तो ये मेटोनमी है। सो ये मतलब जो है उसमें ओवरऑल जो है वो डिस्कशन थी, इज इट क्लियर इफ यू पीपल हैव एन क्वेश्चन? नो सर, इट क्लियर, यस स्टूडेंट्स, शुक्र है आवाज नो सर, क्लियर, शुक्र है आवाज आ गई, मैं तो इस बात पे खुश हूँ। उसके बाद कोलोकेशन है, आप लोगों ने पहले भी ये हमने किया हुआ था लेक्सिकल स्टडीज में भी आप लोगों ने किया होगा, कोलोकेशन क्या होता है बच्चों बताओगे कोलोकेशन क्या है? सर, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होती है इन अ एबिचुअली सेंटेंस, कोऑपरेट द वर्ड, ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स दैट कम टुगेदर, यानी हैबिचुअल जो को अकरेंस ऑफ वर्ड्स होता है, रेगुलर यूज ऑफ सम वर्ड्स होता है या सम फ्रेजेस होता है विद अदर्स, ओके जो हम जनरली यूज करते हैं ये कोलोकेशन होता है, राइट right? सही हो गया। वुड यू पीपल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कोलोकेशंस? कंपनी ऑफ अ वर्ड, कंपनी ऑफ अ वर्ड हो गया, राइट फास्ट फूड फॉर एग्जांपल, हाँ फास्ट फूड वी है, डोंट से क्विक बिल्कुल ठीक फूड, है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल ऐसे ही लश है, ठीक हो ग्रीन, गया। लश ग्रीन हाँ जी, लश ग्रीन सही है, प्रिटी गर्ल्स, प्रिटी गर्ल, हम प्रिटी गर्ल के साथ इस्तेमाल करते हैं, मैन के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक हो गया।
हैंडसम सैलरी। हाँ जी, हम हैंडसम सैलरी कहेंगे, प्रिटी सैलरी या ब्यूटीफुल सैलरी नहीं ब्रॉड एक्सेंट कहेंगे। ठीक हो गया जी, ब्रॉड एक्सेंट ठीक है, वाइड एक्सेंट नहीं कहेंगे, ब्रॉड एक्सेंट कहेंगे हम। सर, राइट, क्विक फूड। क्विक फूड गलत है, हम फास्ट फूड ही कहते हैं। सर क्विक मेल आई थिंक ऐसा होगा कुछ था। लेकिन फूड के साथ हम फास्ट ही लगाते हैं। सर बिग ओके सर, बिजनेस। एक मील हो सकता है। हाँ जी ओके। अब एक तो अब ये इसके अंदर कोलोकेशन के अंदर जो है वो यही है। ओके कोलोकेशन कि जनरली हम जब कोलोकेशन की बात करें, लेकिन इनफैक्ट ये फ्रेजेस भी हो सकती हैं हमारी, ये फ्रेजेस भी हो सकती हैं। और कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स यूज, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स नॉट स्पोकन बोलते हैं, लिखे हुए में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको जो है ना वो स्टोर कर लिया जाता है डेटाबेस में, कंप्यूटर वगैरह में, ताकि बाद में उसको जो है वो यूज किया जा सके। तो बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जो कॉर्पस लिंग्विस्टिक का डेटा है वो कुछ शो करता है कि आपकी कोलोकेशन सिर्फ वर्ड तक नहीं होती, फ्रेजेस तक भी होती है। तो सो यू कैन लुक एट के सेकंड पैराग्राफ, ऑलमोस्ट मिड ऑफ द सेकंड पैराग्राफ है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कोलोकेशंस आर एक्चुअली एवरीडे फ्रेजेस व्हिच मे कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। तो जनरली हम वर्ड्स यूज करते हैं, बट समटाइम्स जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, यानी जो फ्रेजेस हैं, एक फ्रेज कितने वर्ड से मिलकर बनती है, तो उसके अंदर एक वर्ड का दूसरे के साथ कोलोकेट करना जो है वो जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आई डोंट नो वट टू डू, अब इसके अंदर जो है वो सिक्स वर्ड्स हैं, आई डोंट नो वट टू डू। अब जो है वो इस ये जो फ्रेज है ना ज्यादा, मतलब यहाँ पे इस तरह से इस किस्म की सिचुएशन आपने एक्सप्रेस करनी हो कि आपको नहीं पता आपने क्या करना है, तो आप इसी रेगुलर कॉम्बिनेशन से वर्ड्स यूज करेंगे, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू से। ओके, तो ये मतलब ये भी एक कॉलोकेशन की एग्जाम्पल है। इसी तरह से यू नो व्हाट आई मीन, समटाइम हम क्लियर करने के लिए बात को जो है वो कहते हैं यू नो व्हाट आई मीन, एक बात करके आप कहते हैं कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो सो यू नो व्हाट आई मीन। तो आप अगर आपने ये एक्सप्रेशन देना है तो इन्हीं वर्ड्स जनरली उसके साथ हम जो है वो रखेंगे, फाइव वर्ड्स को, दे डोंट नो और दे डोंट वॉन्ट टू, फोर वर्ड्स हैं। दे डोंट वॉन्ट टू मतलब ये है कि आप नहीं काम के करना चाहते, ओके दे डोंट वॉन्ट टू, दे डोंट वॉन्ट टू डू दिस, दे डोंट वॉन्ट टू गो देयर, दे डोंट वॉन्ट टू, तो दे डोंट वॉन्ट टू। बाकी अब एक बात जो पहले हो रही है ये उसकी तरफ रिफर करने के लिए हम जो है वो कहते हैं कि दे डोंट वांट टू। तो इस तरह से सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि जो फ्रेजेस होती हैं उनमें भी कोलोकेशन आता है, और वो कोलोकेशन इस तरह से आता है कि वो जो फ्रेजेस होती हैं उनमें जो वर्ड्स यूज किए गए होती हैं तो वो कॉमनली जो है वो उसी सीक्वेंस के साथ आती हैं। जनरली उन फ्रेजेस को जब यूज किया जाता है तो उनमें वर्ड्स चेंज नहीं किए जाते, ठीक है, उनमें वर्ड चेंज नहीं किए जाते। तो इस तरह से ये फ्रेजेस भी हम जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके दैट्स ऑल विद द जो है वो कोलोकेशन। और मेरे ख्याल में हमारे जो सेंस रिलेशंस जो है वो थे वो उनसे रिलेटेड हमने चीजें जो है वो कर ली हैं, मेटोनिमी और कोलोकेशंस और वो चीजें सेंस रिलेशन में जो थी वो हमने सारी कर ली हैं। हेलो यस सर। जी सर। स्टूडेंट ओके, अभी चूंकि वो प्रेजेंटेशन वाला ना वो रिदम जो है ना वो नहीं रहा जिस तरह से वो था, वो नेटवर्क की वजह से ना हुई। ओके आप थोड़ा सा ये जरा आप लोगों के थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको ना इम्तिहान हो जाए अभी, ये आपके साथ ही आप लोगों के पास मौजूद है ना, ये इसमें ये स्टडी क्वेश्चंस आगे हैं, डू यू पीपल हैव गॉट द प्रिंट विद यू, आप यस लोगों के पास है ना ये। सर। अच्छा ये स्टडी क्वेश्चन है, जरा जरा इसको जरा देखिए आप लोग। व्हाट सिमेंटिक फीचर मस्ट अ नाउन हैव इन ऑर्डर टू बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ये नीचे सेंटेंस आ रहा है तो सिमेंटिक फीचर को ध्यान में रखना। आज प्रेजेंटेशन भी थी जिस बच्ची की, आप बताएं आपका सिमेंटिक फीचर पे प्रेजेंटेशन थी जिनका, तो व्हाट सिमेंटिक फीचर मस्ट अ नाउन हैव, उसको एनिमेट होना चाहिए एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन ह्यूमन ऑर्डर बीइंग। टू बी यूज इन दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसमें आपने नाउन यूज करना है, तो कौन में फिट बैठे, क्या कौन सा सिमेंटिक फीचर होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का। एनिमेट एनिमेट एंड ह्यूमन बीइंग। हेलो सर उसको एनिमेट होना चाहिए, एक सिमेंटिक फीचर और
और समटाइम जो है वो ह्यूमन बींग भी हो तो मतलब नहीं, पहले आपने क्या, सम टाइम ह्यूमन बीइंग हो, पहले क्या होना चाहिए उसका? सिमेंटिक फीचर जो है वो ये है कि एनिमेट हो, बिकॉज वो नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा, तो वो सब्जेक्ट जो है वो पर्सन भी एक्शन परफॉर्म करेगा. आप नहीं, यही तो हम कहते हैं कि कौन सा सिमेंटिक फीचर होना चाहिए, आप कौन सा सिमेंटिक फीचर कहती हैं कि दैट शुड बी जो है वो एनिमेट, यस सर. और कौन सा सिमेंटिक फीचर होना चाहिए? बस एनिमेट काफी है? ह्यूमन बीइंग ओके, ह्यूमन जो है वो काफी है, और और तो सेंटेंस जो है ना वो मैटर करता है कि उसको किस सेंटेंस में यूज करना. नहीं, हम इसी सेंटेंस में कह रहे हैं ना, यहाँ पे है दी डैश वर डिस्कसिंग व्हाट टू डू, दी डैश वर डिस्कसिंग व्हाट टू डू। अब आपका हमें पता होना चाहिए कि जो हम सब लगाएंगे उसके अंदर जो है वो डिस्कस करने की जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए, ये फीचर होना चाहिए। ओके, तो डिस्कस करने के लिए कौन कौन से सिमेंटिक फीचर्स का होना जरूरी है, आप सारे बच्चे बता सकते हैं इसमें। एनिमेट और ह्यूमन होगा ना, डिस्कशन तो ह्यूमन से कर सकते हैं क्योंकि और तो किसी में भी जो है वो एनिमेट थिंग में जो है बोलने की कैपेसिटी नहीं है, और डिसाइड करने की और डिस्कशन की. ओके, तो इट मींस के अंदर आ जाना चाहिए, या अगर एक ही हमने लगाना है उसके अंदर जो है वो ये वैलिडिटी होनी चाहिए, तो देन जो है वो देखें ना जो है वो डिस्कस। अब सिर्फ ह्यूमन होना काफी है? सर अडल्ट भी होना चाहिए. काफी है? सर एडल्ट नहीं, मतलब बच्चे भी तो डिस्कस करते हैं ना व्हाट टू डू. हम भी तो आपस में प्लानिंग करते थे बचपन में भी, अभी भी करते हैं. तो एडल्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ह्यूमन होना इम्पोर्टेंट है. सर उस बारे थोड़ा राइट, मतलब इलम एडल्ट होना होना जरूरी नहीं है तो नहीं, लेकिन वो इलम को सर. आप उसको सिमेंटिक नो फीचर मतलब आप कह रहे हैं नॉलेजेबल, लेकिन डिस्कस तो आप लोग भी कर सकते हैं। डिस्कस से मुराद ये है कि जब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक मतलब उसमें नहीं है, तो सिंपल हम इट मीन ह्यूमन जो है वो सिमेंटिक फीचर, दैट इज यूजिंग सिमेंटिक फीचर्स हाउ यू एक्सप्लेन द ऑर्डनेस ऑफ दीज सेंटेंसेस। ये तो इजी है, ये सेंटेंसेस हैं, इनकी सिमेंटिक ऑर्डनेस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द टेलीविजन ड्रैंक माय वाटर, हिज डॉग राइट्स पोएट्री, यस स्टूडेंट्स। सर इसमें टेलीविजन वो इनएनिमेट है क्योंकि इसलिए ये ऑड सेंटेंस है. इनएनिमेट कैसे ड्रिंक कर सकता है कुछ भी? अगर वो एनिमेट थिंग होती तो ऑब्वियसली वो वाटर ड्रिंक करती. अगर वो ह्यूमन ना भी होता, वो कुछ और भी होता, एनिमल भी होता, इंसेक्ट भी होता, तो वो पानी को इनटेक कर सकता था. और नेक्स्ट सेंटेंस में डॉग है कि डॉग राइट्स पोइट्री, तो डॉग जो है वो एनिमेट है और उसमें बाकी क्वालिटीज हैं. वो ईट करता है, ड्रिंक करता है, वो साउंड्स भी प्रोड्यूस करता है, इवन दैट इज समथिंग एल्स. लेकिन वो जो है वो राइट नहीं कर सकता. ये ह्यूमन की जो है वो करेक्टरिस्टिक है, इसलिए ये भी ऑड है. डॉग कैसे राइट कर सकता है? ठीक हो गया, यानी जो टेलीविजन है, टेलीविजन के अंदर जो है वो टेलीविजन नहीं है कि वो राइट कर सके, ऐसे ही है ना? हेलो हेलो, यस सर. यस सर. ओके ओके, उसके बाद है व्हाट फ्रेज इज यूज्ड मोर ऑफन इंस्टेड ऑफ थीमेटिक रोल्स, व्हाट फ्रेज इज यूज्ड मोर ऑफन इंस्टेड ऑफ थीमेटिक रोल्स, जल्दी जल्दी से आंसर करें। सिमेंटिंग रोल्स. यस, सिमेंटिक रोल्स, एंड व्हाट यस सर. अदर, एंड व्हाट, यस सिमेंटिक रोल्स, एंड व्हाट अदर टर्म इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ थीम इन द सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ नाउन फ्रेजेस, केस व्हाट रोल्स. अदर टर्म, नहीं, पेशेंट. व्हाट, यस यस, यहाँ पे पेशेंट. पेशेंट है,
Yes, patient, patient, yes. Okay, उसके बाद है what kind of opposites can be नोड identified via the negative test? What kind of opposites can be identified via the negative test? What kind of सर opposites नॉट can be identified via the negative test? सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वाले नॉन क्रिएटेबल एंटोनिम्स सर कॉम्प्लीमेंट जी, नॉन ग्रेडेबल और द कंप्लीमेंट्री दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द नेगेटिव टेस्ट. ओके, आगे है हाउ इज द टर्म प्रोटोटाइप यूज्ड इन सिमेंटिक्स. चले ये बताए जरा, हाउ इज द टर्म यूज करते हैं. के जो प्रोटोटाइप है ना, प्रोटोटाइप का सिमेंटिक्स में इनफेक्ट क्या ताल्लुक है. अब जो कॉन्सेप्ट है प्रोटोटाइप का, ये मिनी प्लेन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फीचर नहीं करता. जैसे हमने कंपोनेंट फीचर या सिमेंटिक फीचर देखे थे प्लस या माइनस का साइन लगा के, तो प्रोटोटाइप जो है वो सर्टन वर्ड्स के मीनिंग को कंपोनेंट फीचर्स के टर्म में एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि इनफैक्ट ये किस बात पे बेस करता है. इट इज बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस टू द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल. किसी चीज की जो क्लियरेस्ट एग्जाम्पल होती है ना, तो उसके साथ उसकी जो रिजेम्बलेंस होती है वो उसको जो है वो एक्सप्लेन करता है, यानी कि मीनिंग को एक्सप्लेन करता है. सिमेंटिक्स में प्रोटोटाइप का यूज ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द सर्टन वर्ड्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फीचर नहीं करता, रादर जो है वो इट एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ सर्टन वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ रिजेम्बलेंस टू द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल. रिजेम्बलेंस इस वजह से हम कहते हैं जी के जो है वो बर्ड का जहन में सोचते ही जो है वो फर्म क्या आ जाता है हमारे जहन में, जो वेरी फर्स्ट आएगी वो प्रोटोटाइप होगा. तो वो रिजेम्बलेंस होगी फॉरन जो है वो जहन में क्या आता है. प्रोटोटाइप का सेमेंटिक्स में यूज इस तरह से है कि ये रिजेम्बलेंस जो है क्लियर एग्जाम्पल के साथ उसकी बुनियाद पर जो है वो मीनिंग्स को करता है. सिमेंट जैसे देखें बर्ड है, अब बर्ड में सिमेंटिक फीचर है जी कि उसके विंग्स होने चाहिए, फेदर्स होने चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए. तो उसमें बहुत सारे ऐसे बर्ड्स भी शामिल हैं जो कि प्रोटोटाइप में नहीं आते हैं. बर्ड्स सिमेंटिक फीचर उनमें मौजूद है लेकिन प्रोटोटाइप में नहीं आते. तो फिर प्रोटोटाइप जो है वो जो आपका जो एक जेन्युइन मॉडल है, वेरी फर्स्ट मॉडल, उसके साथ आपका जो क्लियरेस्ट रिजेम्बलेंस होती है वो आपका प्रोटोटाइप होता है. ठीक हो गया बच्चों? यस सर. स्टूडेंट्स 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 एम आई ऑडिबल? आर यू लिसनिंग मी? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके सर. That's all for today. और जो है वो इन्हीं हम प्रेजेंटेशन को जो है वो नेक्स्ट वीक में जो है वो कंटिन्यू करेंगे. ये जो प्रॉब्लम आज है कुछ नेट का, तो इसको जो है वो सॉल्व ताकि वी विल कंटिन्यू दिस वेरी एक्टिविटी नेक्स्ट. इंशाल्लाह और पॉसिबल डेट शीट का भी मैंने आपको कल बता दिया था, मजीद मैसेज भी कर दिया है. डेट शीट आपने जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग की सेम रखनी है उन टीचर्स की जो कि आपको मॉर्निंग इवनिंग में पढ़ा रहे हैं सेम टीचर. तो ओके, दैट्स ऑल. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सर मेरी प्रेजेंटेशन है तो वो नेक्स्ट वीक होगी. अच्छी, हेलो, वेरी गुड. आज ना वो नहीं हो रहा इस तरह से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसको करेंगे. ओके सर, ठीक है. ठीक है, हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह.
अल्लाह हाफिज सर जी. ओके सर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर जी. अल्लाह हाफिज सर जी. अल्लाह हाफिज.